हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme Narzo 20 Pro के बारे में। और ये जो है Realme का Narzo 20 और इसमें जो प्रॉब्लम है, कॉल करते टाइम डिस्प्ले का लाइट जो है टोटली बंद हो जा रहा है। और अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, आज का इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपका मोबाइल आराम से ठीक हो जाएगा, आपको कोई रिपेयरिंग शॉप जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं, बाद में आपको एक सेटिंग बताऊंगा जिसमें कि आप 100% इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं इसका एक बेसिक सॉल्यूशन बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, मैं इधर आपको एक चीज दिखाऊंगा कि सेंसर कैसे काम करता है। तो मैं इधर दिखाता हूं आपको सेंसर कैसे काम करता है। देखिए, अभी मैं 198 पे कॉल करता हूं, 198 पे, और इधर देख सकते हो इधर जो है इसका सेंसर है। जैसे ही मेरा हाथ उसके ऊपर जाता है तो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो अगर आपने रिसेंटली टेम्पर ग्लास लगाया है और वो टेम्पर ग्लास सेंसर के ऊपर रह गया है तब भी ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। ये वाला चीज आपको पहले देखना है, ठीक है। दूसरा, मैं अगर आपने पहले कभी टेम्पर ग्लास लगाया था, बहुत दिन हो गया, और उसके ऊपर सेंसर के ऊपर अगर धूल मिट्टी डस्ट बैठ गया होगा तब भी ऐसे प्रॉब्लम होता है। ये दोनों पहले देख लेना है। अगर आपका ये दोनों प्रॉब्लम के बाद आपका मोबाइल ठीक नहीं होता है तब आपको क्या करना है, आपका ये दोनों करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो है सेंसर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, ऐसे ही आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ठीक है। मैं आपको इधर सेटिंग में ले जाता हूँ। देखिए, इधर सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको एक काम करना है कि इधर डायल करना है प्रेस PRE। देखिए, PRESS प्रेस आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये जो आया ऑप्शन प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इसको क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर देना है। ये वाला जैसे ही आप ऑन करोगे तो क्या होगा ना, आप जैसे ही आपका फोन का पावर बटन प्रेस करोगे आपका मोबाइल का कॉल जो है एंड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, क्योंकि आपका डिस्प्ले का लाइट तो नहीं आएगा। जैसे ही आपका कॉल आएगा, आपका डिस्प्ले का लाइट नहीं आएगा तो आप उसको फोन काटोगे कैसे। लेकिन अगर इसको ऑन कर लेते हो, जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करोगे, आप बातचीत करने के बाद जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करोगे तो ये जो है आपका फोन जो है कट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम अगर आप परमानेंटली सॉल्यूशन करना चाहते हो तो एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर आपने डिस्प्ले पीडीए लगाया था और कुछ दिन पहले डिस्प्ले पीडीए चेंज किया था और वो जो सेंसर का होल होता है उसके अंदर अगर ग्लू चल जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। या तो सेंसर के ऊपर एक रबर के जैसा रहता है वो अगर मिसिंग हो जाता है तब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर आप इसका टेम्पोरली सॉल्यूशन कर सकते हो तो ये वाला करके चला सकते हो, जैसे कि प्रेस टू पावर बटन एंड कॉल, इसको चला सकते हो। और अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आपको कोई भी रिपेयरिंग शॉप जाना चाहिए और जाके इसको ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।